हेलो फ्रेंड, मैं आटा सैंडविच। तो चलो शुरू करते हैं दही तड़का सैंडविच बनाने। तो हमें चाहिए ये अमूल मस्ती दही मैंने लिया है, और ये अमूल की ब्रेड है, ये लेके हम आज बनाएंगे। हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे दही तड़का। तो हमें चाहिए अमूल मस्ती दही मैंने लिया है, ये दही से हम बनाएंगे आज। और इसमें हमें चाहिए अमूल ब्रेड, ये दोनों लेकर आज हम बनाएंगे दही तड़का सैंडविच। ये मस्ती दही है, ये इसको हम छन्नी में रखकर इसका पानी निकाल लेंगे, बाद में हम इसका उपयोग करेंगे। तो ये मैंने दही को 2 घंटे छन्नी में रखकर पानी सब निकाल दिया है। तो ये है दही, देखो ऐसे गाढ़ा बन जाएगा पानी निकाल लेंगे। इसमें हम लेंगे ककुम्बर है, ये जो मैंने बारीक छीन के लिया है। और ये है बीट, ये भी मैंने बारीक छीन के लिया है, छन्नी से छीन लिया है। ये हम 2 चम्मच लेंगे और 2 चम्मच ककुम्बर। और ये है हरा धनिया, 2 चम्मच हरा धनिया। ये सब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम लगाएंगे इस पर तड़का। तो तड़के के लिए हमें एक छोटी सी पैन ली है, इसमें हमने 2 चम्मच तेल लिया है। तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ी सी रई लेंगे और थोड़ा सा जीरा। इसको थोड़ा थोड़ा बोल बोले आने दें। बाद में हम इसमें लेंगे ये हरी मिर्च। ये हम हरी मिर्च लेंगे। ये तड़का लगाने से हमारे सैंडविच का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और हमें ब्रेड को रोस्ट करना है, तो साइड में हमें पैन को गरम करने के लिए रखेंगे। तब तक हमारा तड़का रेडी हो गया है। तड़के को हमें दही में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी काली मिर्च पाउडर, मरी पाउडर और ये चाट मसाला थोड़ा सा, और ये मैंने सिंधव नमक लिया है, और ये नमक हम चाट मसाला भी लिया है तो इसी हिसाब से थोड़ा सा लेंगे। अभी हम सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
देखो हमारा तड़का बहुत अच्छा लगता है, बीट के हिसाब से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। हमारा तड़का रेडी हो गया है, अब हम ब्रेड को रोस्ट करेंगे। ये अमूल बटर है, ब्रेड को हम बटर में रोस्ट करेंगे। सबसे पहले पैन में हम लेंगे थोड़ा सा बटर, इस पर रखेंगे हम ब्रेड। ब्रेड को हम थोड़ी से ब्राउन कलर ही होने देंगे। इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड को भी रोस्ट करेंगे। देखो इसका कलर बहुत अच्छा आया है, ऐसे थोड़ा सा ब्राउन कलर ही करना है इसको। और ये बहुत इंस्टेंट बन जाती है रेसिपी, और ये ब्रेकफास्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए तो भी नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। और ये 10 से 15 मिनट में ही बन जाती है रेसिपी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हम ये जो हमने ये तड़का लगाकर दही तैयार किया है, इस पर हम स्प्रेड करेंगे। देखो ये मैं कैसे लगा रही हूँ, ऐसे इसको स्प्रेड कर देना है ब्रेड पर। उस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा चाट मसाला, स्प्रिंकल करेंगे ऐसे। अच्छे स्वाद के लिए हम इससे थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। इस पर हम लेंगे दूसरी ब्रेड ऐसे ऐसे। इसको हम ऐसे कट करेंगे। ट्राइंगल देखो कैसी अच्छी लगती है ना हमारी ये सैंडविच।
अब हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। देखो हमारा ये दही तड़का सैंडविच रेडी है। कैसे लगा फ्रेंड आपको? थैंक यू अमूल टीम।